ओके, तो विजयलक्ष्मी जी, आपका 10th का एक बेहतरीन सा रिजल्ट आया हुआ है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रही है, क्योंकि क्योंकि मेरा जो 10 साल का मेहनत है वो आज बहुत सारा सफल पाया है, तो मुझे बहुत बेहद खुशी अनुभव हो रहा है। तो बेटा, इस सफलता का आप श्रेय किसे देना चाहेंगे? पहले तो माता पिता और मेरे गुरु सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन के जो गुरु हैं और पेरेंट्स को। तो बेटा, आपकी स्ट्रेटेजी किस प्रकार की थी? आपने कैसा रणनीति तय किया था इस सफलता को प्राप्त करने के मेरी लिए? स्ट्रेटेजी तो थी, इसके साथ साथ भी सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन के दिए गए रूल्स को हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो किए थे, जो कि मेरे रूल्स को फॉलो करने से आज आज वो रिजल्ट का अच्छा ला पाया है। और इस तरह से प्री बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम के 3 मंथ के पहले प्री बोर्ड एग्जाम होता था, लाइव टेस्ट होता था, और कोई भी सब्जेक्ट अगर मतलब ज्यादा बहुत टफ लगे तो प्रोजेक्टर क्लास, नोट्स वगैरह ये सब दिया जाता था। बेटा, कभी ऐसा हुआ है कि आप थोड़े लो फील किए होंगे कोई सब्जेक्ट में या तो मोटिवेशन में? हाँ, तो प्रिपरेशन के दरमियान विजयलक्ष्मी जी, आप कभी कभी कोई सब्जेक्ट पे या तो आपके कभी कभी लो फील होता होगा कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो उस समय आप कैसे अपने आप को रिकवर करते थे? हाँ, लो फील हुआ है, क्योंकि पहले पहले जब प्री बोर्ड एग्जाम हुआ तो मार्क्स भी कम आया, तो मुझे खुद को भी बहुत खराब अनुभव हुआ, क्योंकि सारे दोस्त मेरे अच्छे पढ़ रहे थे और उनका अच्छा मार्क्स आ रहा था, तो मुझे भी लगा कि मैं भी उनके तरह बहुत अच्छा मार्क्स लाऊं, तो मेरे दोस्तों के सहायता से लेकर मैं बहुत सारे मतलब पढ़ाई करने में और तीव्र हो गया। और जो मेरा डिमोटिवेट हो जाती थी मैं, तो मेरे को सुनील सर एंड राजा सर ने मुझे बहुत हेल्प किए हैं और डिमोटिवेट से मोटिवेट किए हैं। बेटा, आप कितने साल से सत्यम में जुड़े हुए? 2 ईयर से आप जुड़े हुए। बेटा, फ्यूचर आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स बताएंगे? फेवरेट सब्जेक्ट SS और मैथ। क्यों आपके SS और मैथ फेवरेट सब्जेक्ट थे? SS में तो मतलब मैं जब 9th में आई तो मुझे इतना SS में भी थोड़ा, क्योंकि SS सबसे बोरिंग बोरिंग सब्जेक्ट है, तो जब मतलब स्कूल में भी जब पढ़ा जाता था तो थोड़ा मतलब भगा के पढ़ा देते थे, परंतु जब मैं सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन में आई तो राजेश सर ने हमें बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल के दरमियान के साथ हमें पढ़ाते थे, समझाते थे कोई भी चैप्टर को डेप्थ को पूरा गहरे से हमें पढ़ाते थे, तो और नोट्स वगैरह ये सब बनाते थे, प्रोजेक्ट क्लास भी कराते थे, तो ऐसा बहुत मुझे अभी बहुत ईजी लग रहा है और बोर्ड के रिजल्ट में भी बहुत अच्छा है। ओके, तो बेटा दूसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा था फेवरेट? मैथ। कैसे? मैथ में तो थोड़ा लो ही थी मैं, पर थोड़ा थोड़ा भी हो रहा था और लो ही था। जब मैं ट्यूशन कोचिंग में आई तो सुनील सर के हेल्प से और सुनील सर के पढ़ाने से और उनके जो समझाते थे तो वो समझ भी आ जाता था। आपने मैथ्स में क्या क्या प्रैक्टिस किया था? कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस किया था? गाला, असाइनमेंट, अपेक्षित, बुक से लेकर, और जब बोर्ड एग्जाम के में जब 2 दिन बाकी थे, हम 2 दिन में अपेक्षित भी पूरा खत्म कर दिए थे और फ्लो चार्ट वगैरह वगैरह दिया जाता था। ओके, वेरी गुड। बेटा, आप फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहेंगे? कॉमर्स लेके IAS। कॉमर्स लेके IAS बनना चाहेंगे, काफी एक बहुत अच्छा विजन है। तो बेटा, आप इस विजन पे जरूर आप इसको क्लियर करें और सफलता की सीढ़ियों में जाए और परिवार का नाम और समाज का नाम, देश का नाम रोशन करें, ऐसा हम शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू सर।